हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू डिकोड ब्रेन। आज का हमारा लर्निंग लेसन है हाउ टू टेक अ इफेक्टिव नोट्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो आज का यह लर्निंग लेसन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सारी टेक्स्ट बुक रीड तो कर लेते हैं, पर बाद में हमें रियलाइज होता है कि हमें उस टेक्स्ट बुक में से कुछ याद ही नहीं आ रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें उस टेक्स्ट बुक में से किसी ने कुछ पूछ लिया तो कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है ये भी हमें अच्छे से नहीं पता होता है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है टेकिंग अ इफेक्टिव नोट्स। जब भी आप टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें से आप एक अच्छी इफेक्टिव नोट्स बना सके। अब नोट्स लेना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जब भी टेक्स्ट बुक रीड करते हो तो आपके टेक्स्ट बुक में से यह आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाल के देती है, जो कि आपको बाद में रिवाइज करने में बहुत ही हेल्प मिलती है और आपके यह एग्जाम प्रिपरेशन, टेस्ट प्रिपरेशन में भी बहुत काम आती है। तो आज के यह लर्निंग लेसन में हम जानेंगे कि कैसे आप टेक्स्ट बुक रीड करते वक्त एक इफेक्टिव नोट्स ले सकते हो और वह कौन सी मिस्टेक है जिसे आपको अवॉइड करनी चाहिए टेक्स्ट बुक में से नोट्स लेते वक्त। तो आज का यह लर्निंग लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी मत स्किप करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, रेडी स्टडी गो। तो देखिए गाइस, आज के इस लर्निंग लेसन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है बिफोर यू स्टार्ट, सेकंड है स्टेप फॉर टेकिंग नोट्स एज यू रीड, एंड थर्ड है आफ्टर टेकिंग नोट्स और यूजिंग योर नोट्स। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट को, वो है बिफोर यू स्टार्ट। इस पार्ट में हम जानेंगे कि टेक्स्ट बुक रीड करने से पहले आपको किस किस बातों का ध्यान देना चाहिए और वह कौन सी स्टेप है आपको टेक्स्ट बुक रीड करने से पहले फॉलो करनी है। तो इस फर्स्ट पार्ट की फर्स्ट स्टेप है प्रीव्यूइंग योर टेक्स्ट बुक। इस स्टेप में आपको आपके टेक्स्ट बुक का सारा सिलेबस चेक करना होगा और सिलेबस चेक करते वक्त आपको हर पेज को मैक्सिमम 5 मिनट्स देने हैं। इससे आपको आपके टेक्स्ट बुक के बारे में आइडिया लग जाएगा कि टेक्स्ट बुक किस बारे में है और आपकी एक जर्नी क्रिएट हो जाएंगी, जिससे आपका फोकस, इंटरेस्ट और कॉन्सेंट्रेशन टेक्स्ट बुक में बना रहेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक आएगा और इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं और हर एक चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, इसका भी आपको अच्छे से आइडिया होगा। तो यह थी हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड हमारी स्टेप है क्रिएट एन आउटलाइन। जैसे कि आपने फर्स्ट स्टेप में सारी टेक्स्ट बुक प्रीव्यू कर ली थी, अब जो भी आपने प्रीव्यू किया है उस प्रीव्यू का आपको नोट्स बनाना है। तो आप नोट्स कैसे बनाओगे, आपको यूज करना होगा आउटलाइन मेथड। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर लिखना होगा और उस चैप्टर में जो भी हेडिंग है और सब हेडिंग है उसकी आपको नोट्स बनानी है। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उस चैप्टर में कौन सा टॉपिक कवर्ड होने वाला है और जब भी आप रिविजन करने जाते हो आपकी नोट्स का तो आपको बहुत इजीली फाइंड करने में हेल्प होगी। अगर आपके चैप्टर में हेडिंग या फिर सब हेडिंग नहीं होगी तो आपको आपके चैप्टर का पैराग्राफ शॉर्ट में रीड करना होगा, उससे आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन टेक्स्ट बुक रीड करते वक्त बना रहेगा और आपकी नोट्स भी बहुत अच्छे से क्रिएट होगी। तो जैसे कि अभी आपने सारी टेक्स्ट बुक प्रीव्यू कर ली है, टेक्स्ट बुक किस बारे में है ये भी आपको अच्छे से पता चल गया है और आपने हेडिंग और सब हेडिंग लिखकर चैप्टर किस बारे में है ये भी अच्छे से जान लिया है, तो अब हमारा जो सेकेंड पार्ट होगा वो होगा कि आप कैसे एक इफेक्टिव नोट्स ले सकते हो। सेकेंड हमारा पार्ट होगा स्टेप फॉर टेकिंग नोट्स एज यू रीड। अगर आपने पार्ट 1 को अच्छे से फॉलो कर लिया है तो आप इस पार्ट 2 को समझने के लिए और टेक्स्ट बुक में से एक इफेक्टिव नोट्स लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तो यह सेकेंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से सुनना है, क्योंकि इसमें हम जानेंगे कि आप एक कैसे अच्छे तरीके से इफेक्टिव नोट्स ले सकते हो। तो चलिए जानते हैं इस पार्ट की सब में फर्स्ट स्टेप, वो है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए गाइस, एक होती है रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन और दूसरा होता है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आप में से मैक्सिमम लोग रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन को तो फॉलो करते हैं, पर रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग बहुत से लोग नहीं फॉलो करते, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वह टेक्स्ट बुक रीड कर लिए या फिर किसी के थ्रू समझ लिए तो उन्हें टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से समझ गई है। पर बाद में ऐसा होता है, अगर उनसे कुछ पूछा जाता है तो वह उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको दोनों को फॉलो करना पड़ेगा, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन भी, रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग भी। जैसे कि आप रीड करके रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन को तो फॉलो करते हो, पर रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग को
कैसे फॉलो करें, क्योंकि इससे आप एक इफेक्टिव नोट्स ले सकते हो। अगर आपको रीडिंग एक अंडरस्टैंडिंग के लिए करनी है तो आपको एक्टिव रीडिंग फॉलो करना पड़ेगा। अब एक्टिव रीडिंग यह क्या होती है और हम इसे कैसे फॉलो करें, हम इसे हमारी सेकेंड स्टेप में जानेंगे, वह है एक्टिव रीडिंग। तो एक्टिव रीडिंग को फॉलो करने के लिए सब में पहले आपको फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपको सभी टाइप्स के डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने होंगे। तो देखिए गाइस, एक होता है पैसिव रीडिंग, दूसरा होता है एक्टिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग में आप क्या करते हो, टेक्स्टबुक आप रीड करते हो और उसमें से इन्फॉर्मेशन लेते हो, पर आप उसमें से कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। और अगर आपको टेक्स्टबुक अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है तो आपको एक्टिव रीडिंग फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्टिव रीडिंग करते हो तो आप इसमें दोनों इन्फॉर्मेशन भी लेते हो और टेक्स्टबुक को अच्छे से अंडरस्टैंड भी करते हो। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक्टिव रीडिंग कैसे करते हैं। तो एक्टिव रीडिंग को फॉलो करने के लिए तो आप सिर्फ टेक्स्टबुक रीड करिए ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसमें से कोई आपको फर्स्ट टाइम में नोट्स नहीं बनाने हैं। आपको सब में पहले टेक्स्टबुक अच्छे से अंडरस्टैंड करनी होगी और आपको अच्छे से फोकस देना है कि वह कंसेप्ट किस बारे में है। जब आप अपनी टेक्स्टबुक रीड करके कंप्लीट कर लेते हो, वह कंसेप्ट आपका रीड करके कंप्लीट हो जाता है, फिर सेकेंड टाइम पे आप अपने खुद के ओन वर्ड्स में उसके नोट्स क्रिएट करिए। फिर आप जब सेकेंड टाइम उस टेक्स्टबुक को रिव्यू करते हो, आपको सिर्फ फोकस देना है कि वह कंसेप्ट टॉपिक किस बारे में है। जब आप वह कंसेप्ट टॉपिक अच्छे से रीड कर लेते हो तो बाद में आप खुद से क्वेश्चन पूछिए, उस आइडिया को समराइज कीजिए और अपने ओन आइडियाज के साथ उसे कनेक्ट करिए। फिर जाकर आप अपनी नोट्स अच्छे से अपने ओन वर्ड्स में ले सकते हो और लिख सकते हो। थर्ड हमारी स्टेप है डिवाइड योर चैप्टर। इस स्टेप में आपको क्या करना होगा कि आपके जो टेक्स्टबुक के चैप्टर्स है वह बहुत लेंदी होते हैं, तो अब हम इतने लेंदी चैप्टर कंटिन्यूएशन में नहीं पढ़ सकते। तो मान लीजिए कि हमारा एक चैप्टर 30 पेजेस का है, तो हमें कंटिन्यूएशन में उसकी स्टडी नहीं करनी है, हमें उस चैप्टर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आप डिवाइड कैसे करोगे, मान लीजिए कि आप 1 to 2 hours में मैक्सिमम 5 to 2 pages रीड कर रहे हो। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने कैसे एक 30 पेजेस के चैप्टर को 5 pages में डिवाइड किया है, तो आपको भी इसी तरह आपका चैप्टर जितना भी लेंदी होता है उसे डिवाइड करके आपको उस चैप्टर की स्टडी करनी पड़ेगी। तो यह थी हमारी थर्ड स्टेप। तो इससे आपको आपके टेक्स्टबुक में से नोट्स लेने के लिए इजी पड़ेगा और आप कंफ्यूज नहीं होगे और आपके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा। फोर्थ स्टेप जानने के पहले हम आपको बता दें कि इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो रहेगी हाउ टू मेक योर नोट्स इवन बेटर। वह वीडियो इस वीडियो पे बेस्ड ही रहेंगी कि आप अपने नोट्स को और अच्छे तरीके से कैसे बना सकते हो, तो उस वीडियो को मिस मत करना, वह वीडियो जरूर देखना। तो देखिए फोर्थ स्टेप हमारी यूज योर मेमोरी टू स्टार्ट योर नोट्स। तो यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से सुनना। इस स्टेप में हम जानेंगे कि जैसा कि आपने स्टेप 2 में जाना है एक्टिव रीडिंग में, कि हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ उसे अंडरस्टैंड भी करना होगा। तो जैसे हमने पार्ट 1 के स्टेप 2 में आउटलाइन मेथड यूज की थी चैप्टर की हेडिंग और सब हेडिंग, तो इस स्टेप में आपको आप जो भी कंसेप्ट या फिर टॉपिक रीड कर रहे हो और उसका जो भी आपने हेडिंग और सब हेडिंग बनाया है, तो फर्स्ट टाइम में आपको सिर्फ उस कंसेप्ट को रीड करना है, उसे अच्छे से समझना है और उसमें से आपको जो भी कीवर्ड्स मिलते हैं उसे आपको आपके सब हेडिंग के नीचे लिखना है। वो क्यों लिखना है, क्योंकि जब भी आप आपकी टेक्स्टबुक अच्छे से समझ लेते हो, उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको आपकी टेक्स्टबुक क्लोज करके उस कीवर्ड में आपको आपके खुद के वर्ड्स में उस कंसेप्ट के नोट्स बनाने हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी और आपसे और इससे आपकी एक क्रिएटिविटी बनी रहेगी। फिफ्थ स्टेप है हमारी एड इम्पोर्टेंट डिटेल्स। इस स्टेप में आप क्या करोगे कि आपने जो भी कीवर्ड्स लिखा था और उस कीवर्ड से आपने जो भी आपके खुद के वर्ड्स में नोट्स बनाए थे, तो आप अभी आपकी टेक्स्टबुक ओपन करोगे और आपने जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस किए हैं उसे आप अपनी नोट्स में ऐड करोगे। इससे आपकी जो भी मिस्टेक है वह आपको पता चलेगी और आप इससे फ्यूचर में जब भी नोट्स बनाओगे तो आप स्ट्रांग होते जाओगे। तो अब हमारी नेक्स्ट स्टेप जानते हैं, समराइज मेन पॉइंट्स एज यू गो।
इस स्टेप में आपको जो भी आपने नोट्स ली है उसमें से आपको मिनिमम 1-3 ऐसे पॉइंट्स दिखना है जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगते हो, और उसको आपको अलग से समरी में लिखना है। और अगर जब भी आपके पास टाइम कम होता हो तो अगर आप इस पॉइंट को देख लेते हो तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि वह चैप्टर किस बारे में है। तो यह थी हमारी 6 स्टेप्स जिसे आपको आपकी टेक्स्टबुक में से जब भी आप नोट्स ले रहे हो तो आपको फॉलो करनी चाहिए। और जैसे कि हमने पहले कहा है कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हाउ टू मेक योर नोट्स इवन बेटर, वह वीडियो जरूर देखना। और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी नोट्स को और अच्छे से कैसे कर सकते हो और आपकी नोट्स कैसे इफेक्टिव बन सकती है। तो चलिए अब हम जानते हैं हमारे थर्ड पार्ट को, वह है आफ्टर टेकिंग नोट्स और यूजिंग योर नोट्स। अब इस पार्ट में हम जानेंगे कि आपने जो भी नोट्स रेडी कर लिए टेक्स्टबुक्स में से उसे आप यूज कैसे करोगे। तो सब में फर्स्ट स्टेप है इसे यूज करने की, स्टडी योर नोट्स। अब आपने अभी जो भी नोट्स लिया है उसे डेली समराइज कीजिए, और जब भी आपका टेस्ट होगा तो यह नोट्स आपको आपके टेस्ट प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसे ऐसा समझो कि वह आपकी गाइड्स है और आपको कोई टीचर्स गाइड कर रहा है। तो आपको आपकी नोट्स को बार बार लिख कर देखना होगा, इससे आपके कंसेप्ट और भी क्लियर होते जाएंगे और यह आपको रिमेम्बर करने में बहुत हेल्प होगा। सेकेंड हमारी स्टेप है शेयर योर नोट्स। अगर आप जिस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हो और सिमिलर सब्जेक्ट की स्टडी कोई आपका फ्रेंड कर रहा है तो उसके साथ आपकी खुद की नोट शेयर कीजिए। इससे आपको उसके माइंडसेट का एक नॉलेज आएगा, आप एक दूसरे के थॉट्स समझोगे और आप अपने आइडियाज में नोट्स में और भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। हो सके तो आपने जो भी नोट्स लिया है उसके साथ ग्रुप डिस्कशन कीजिए। तो थर्ड हमारी स्टेप है कन्वर्ट योर नोट्स इनटू फ्लैश कार्ड। अब आप अपने नोट्स को जब भी अच्छे से समझ जाओगे तो आपको उसमें से अगर कोई डेफिनेशन नोट्स या इम्पोर्टेंट डेट्स रिमेम्बर करना है तो आप अपनी नोट्स का फ्लैश कार्ड बनाइए। यह आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और आपको हर एक पॉइंट्स रिमेम्बर कराने के लिए बहुत हेल्प आते हैं। तो यह थी हमारी 3 स्टेप्स जिसे आपको नोट्स लेने के बाद फॉलो करना है। तो यहाँ पर हमारे सारे पार्ट्स के सारे स्टेप्स कंप्लीट होती है। तो अब हम जानेंगे कि वह कौन सी मिस्टेक है जिसे आपको नोट्स लेते वक्त अवॉइड करनी चाहिए। तो फर्स्ट मिस्टेक है आपकी, तो फर्स्ट स्टेप है हमारी कॉपिंग नोट्स वर्ड फॉर वर्ड। अब इस स्टेप में आपको ध्यान देना है कि जैसी टेक्स्टबुक में वर्डिंग लिखी है वैसा ही आपको नहीं लिखना है। जैसे कि हमने पहले बताया कि आपको खुद के ओन वर्ड्स का यूज करना है, तो यह स्टेप में आपको इसी बात का ध्यान देना है कि जैसा टेक्स्टबुक में हमें दिया है सेंटेंस वैसा ही डुप्लीकेट सेंटेंस हमें नोट्स में नहीं बनाना है, खुद के ओन वर्ड्स यूज करना है। सेकेंड हमारी मिस्टेक है राइटिंग टू मच और टू लिटिल। अब कई बार क्या होता है, हमें नोट्स बनाने की जगह हम समरी बनाने लग जाते हैं बहुत लिटिल, और कई बार होता है ऐसा होता है हम नोट्स बनाने की जगह पूरा ऐसे लिख डालते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। आपको एक छोटे से पैराग्राफ में आपकी नोट्स बनाने की है जिसे आप ओवरव्यू करते हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या कवर होने वाला है। तो थर्ड हमारी मिस्टेक है राइटिंग नोट्स व्हाइल यू डिस्ट्रैक्ट। बहुत बार हम जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं तब हम स्टडी करते हैं तो इससे हमारा फोकस नहीं बनता है और हमारी जो नोट्स है ना वो अच्छे से नहीं बन पाती है और बहुत सारी मिस्टेक हम कर बैठते हैं। तो यह 3 मिस्टेक है जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है और इसे बिल्कुल नहीं करनी है नोट्स लेते वक्त। तो गाइस आज का यह था हमारा लर्निंग लेसन। तो आपको आज का यह लर्निंग लेसन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके हमें ज़रूर बताना। और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर।